अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं सूजी के लड्डू, बहुत ही मज़ेदार से और टेस्टी से, जिसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सूजी को भून लेंगे। 3 टेबल स्पून घी ऐड किया है मैंने। घी डाल देंगे कढ़ाई में। घी को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब ये हल्का सा गुनगुना सा गर्म हो जाए तब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। ये सूजी मैंने 2 कप ली है। ये बिल्कुल जो बारीक वाली सूजी होती है वो है, आप चाहे तो नॉर्मल सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमें लो फ्लेम पर भूनना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है और इसका कलर भी चेंज नहीं करना है। बस इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे और सूजी भून कर अच्छी तरह से फूल जाए तब तक हमें भूनना है। तो ये देखिए सूजी फूल चुकी है। अब इसमें हम कोकोनट ऐड कर देंगे, डेसिकेटेड कोकोनट 1/2 कप ऐड कर देंगे, रेडीमेड है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लड्डुओं में। अब सूजी हमारी भून चुकी है तो इसको हम साइड में कर देते हैं और साइड में ही हम 2 टेबल स्पून घी ऐड करते हैं। पूरा हमें 1/2 कप घी लगा है लड्डू बनाने के लिए। तो ये देखिए अलग से हमें कोई बर्तन वगैरह भराने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हम घी ऐड कर देंगे। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने काजू, बादाम और किशमिश ली है। बादाम और काजू को मैं अभी फ्राई करके डाल रही हूँ और किशमिश को मैं ऊपर से डालूँगी। अगर आपको किशमिश भी फ्राई करनी है तो आप कर सकते हैं। तो इसको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी से हो जाए, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे इसका। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे भून चुके हैं, अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच के करीब और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पाउडर शुगर ऐड कर देंगे। 2 कप सूजी ली है तो 2 कप ही मैंने इसमें शक्कर ऐड की है। आप अगर कम खाते हैं मीठा तो आप 1.5 कप इसमें शक्कर ऐड कीजिएगा। अब इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है। लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त अगर आप शक्कर ऐड करेंगे तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब इसमें किशमिश डाल देंगे, किशमिश को भी मिक्स कर लेंगे। ये मैंने क्रीम ली है, अमूल की क्रीम है, 1/2 कप से ज़्यादा है ये क्रीम, तो ये इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो क्रीम की जगह पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट क्रीम डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है लड्डू में। तो इसको मिक्स कर लेंगे। अगर और लगा दूध की ज़रूरत, सॉरी दूध या फिर क्रीम की ज़रूरत, तो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए 1/2 कप से थोड़ी ज़्यादा क्रीम ली थी, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उससे ज़्यादा और मैंने नहीं डाला है। शक्कर मेल्ट हो चुकी है और ये देखिए बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। तो मैंने बॉल में निकाल के इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखा था, फ्लेम बंद थी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हो गया और गरम गरम में ही आपको लड्डुओं को बनाना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू आपके टूट जाएंगे, बिल्कुल भी बनेंगे नहीं। ये इतना गरम हो कि आपके हाथ इसको सह पाए, ठीक है। तो जितने साइज़ के आप बना रहे हैं, छोटे या बड़े साइज़ के, मैं थोड़े छोटे साइज़ के ही बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप शेप दे दें, इसको ऐसे अच्छे से मुट्ठी से दबा लेना है इस तरीके से। जब ये परफेक्ट अच्छे से दब जाए तब उसके बाद में इसको राउंड शेप दे देना है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हमारे लड्डू सारे बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना। जो तरीका मैंने आपको बताया है वो तो सबसे ईजी तरीका है सूजी के लड्डू बनाने का। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है, सॉफ्ट भी बने हैं और टेस्टी भी है खाने में। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।